अब तू बताएगा हमें कैसे करें हम राज। समय साक्षी है कि जब जब मेरी धरती पर धनानंद जैसा निरंकुश राजा अपना राज धर्म भूला है, सीमाएं बाहरी खतरों से कांपी हैं, तब तब संकट से उबारने मेरा कोई ना कोई बेटा हिम्मत करके आगे आया है। धनानंद, मैं विष्णुगुप्त चंद्रपुत्र चाणक्य आज अपनी ये शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। याद रखना इसे। नियति की चाल हमेशा निराली होती है, तभी तो वो अक्सर सामान्य जन को समझ नहीं आती। वरना किसे पता था कि जब चाणक्य नंदवंश के सर्वनाश और मगध के सिंहासन पर किसी योग्य व्यक्ति को बिठाने की प्रतिज्ञा कर रहा था, उसी समय कुछ ही दूरी पर अखंड भारत का भावी सम्राट खुद को बेचकर गुलाम बन चुका था। मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगा, मां, तू मेरी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा। दया कीजिए, मुझे मेरे पति के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी दे दीजिए। दया कीजिए, दे दीजिए। महाराज धनानंद जी ने शमशान घाट की लकड़ियों पर भी कर लगा दिया है, जब तक तुम कर नहीं दोगी तुमको लकड़ियां नहीं मिलेंगी। मुझ पर दया कीजिए। कहते हैं कि सब कुछ नियति के हाथ में होता है, यहां तक कि हर बड़ा परिवर्तन भी पूर्व निर्धारित होता है। ऐसे में मुझे हर हालत में इंतजार करना था उस क्षण का जब अखंड भारत का सपना देखने वाले आचार्य की अपने अपेक्षित शिष्य से मुलाकात हो। हीरा अपने तराशने वाले तक पहुंचे